हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फैंटेसी क्लब। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों 17th मैच जो होने वाला पीएसएल का, पेशावर जालमी वीएस कराची किंग्स के बीच जो मुकाबला होने वाला है उसका फुल डिटेल्स और पिच रिपोर्ट प्लस में प्रोबल 11 एवरेज इनिंग स्कोर प्लस में ट्रम्प कार्ड पिक्स के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और सबसे इम्पोर्टेंट बात दोस्तों कि अगर मेरे टेलीग्राम चैनल पर नए हो तो टेलीग्राम चैनल पर भी जाकर जल्दी से जुड़ जाएं। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं पिच रिपोर्ट। तो पिच रिपोर्ट की बात करें तो बैटर्स प्लस में पेसर्स को यहाँ पर मदद मिलता है, क्योंकि हमेशा पाकिस्तान सुपर लीग में पाकिस्तान का जितने भी स्टेडियम है वो भी सारा के सारा बैटर्स प्लस पेसर्स को ही डोमिनेट करता है। वहीं एक आधो ऐसे स्टेडियम है जिनको हल्का बहुत ही कम स्पिनर को मदद मिलता है। ये बात आप अपने ध्यान में जरूर रखें अपने टीम बनाते समय। वहीं बात किया जनरली यहाँ पर 180 से लेकर 200 के बीच स्कोरिंग होते रहते हैं, ये भी बात आपको ध्यान में रखना है अगर जो आप आज के मैच में टीम बना रहे हो दोस्तों। तो उसके बाद एवरेज इनिंग स्कोर देख लेते हैं। तो फर्स्ट इनिंग एवरेज स्कोर 160 है और वहीं सेकेंड इनिंग एवरेज स्कोर 161 है, जो कि T20 के लिए हाई स्कोरिंग माना जाता है। एवरेज की बात कर रहे हैं हम। उसके बाद नीचे देख सकते हैं पेस वर्सेस स्पिन की कंपेरिजन में पेसर्स ने 76% विकेट लेते हैं, वहीं बचे जो स्पिनर 24% विकेट लेते हैं। तो आप देख लेते हैं कि कितना अंतर है, 1/3 का अंतर है। वहीं कराची और पेशावर के टीम कंपैरिजन की बात करें तो दोनों ही टीम मीडियम है, एक हल्का 4 नंबर पर है वहीं दूसरे 5 नंबर पर है। तो आपको किसी को भी फेवर में ना लेके चलना है कि ये मैच जीतेगा या नहीं जीतेगा, तो इसलिए आपको दोनों को सेम प्लेयर कम्बिनेशन बनाना है। अगर जो बात किया जाए प्रोबल 11 के, तो प्रोबल 11 में देख सकते हैं पेशावर जालमी का मार्का सैरिस मिस और हिस टाइप वालेबाज, उसके बाद है बाबर आजम, बहुत ही अच्छे T20 के बैट्समैन, लेकिन क्या पता पिछले कुछ मैचों से नहीं चल रहे हैं। कप्तान के भी बेस्ट चॉइस रहेंगे, लेकिन आपको रिक्सी हल का जाना है तो ऑलराउंडर को बना सकते हैं। वही एस अयूब कुछ मैचों से चल रहे हैं, पिछले नया बैट्समैन है तो आप इसको भी प्रीफर कर सकते हैं। उसके बाद है टी कोहलर कैडमोर, ये भी अच्छे बैट्समैन हैं। उसके बाद भनुका राजपक्षे हैं, हीटर और मिस्टर बालेबाज नीचे बैटिंग है तो आप इसको ड्रॉप भी कर सकते हो। रोमन पोवल का पता कभी कभी बॉलिंग कर रहे हैं, उसके बाद बैटिंग आता है तो रन मार के ही जाते हैं। उसके बाद जेमी निसम टोटल 4 ओवर बॉलिंग प्लस में बैटिंग भी आ जाता है तो हीटिंग कर देते हैं। लास्ट में कप्तान के भी बेस्ट चॉइस रहेंगे बाब रियाज, बॉलिंग तो डेथ में करा रहे हैं लेकिन पिछले 3 मैचों में विकेट नहीं लिए थे, उसके बाद 2 विकेट निकाले हैं। साद मकसूद उतने अच्छे बॉलर नहीं, नए हैं, हो सकते नहीं भी खेले। उसके बाद अरशद इकबाल दोस्तों बढ़िया बॉलर हैं, पिछले मैचों में ही पहले मैच में ही पहले मेडन ओवर डालें और विकेट भी चटकाए। उसके बाद सलमान इरासत दोस्तों बहुत ही बढ़िया बॉलर हैं, आप डेथ ओवर में भी बॉलिंग कराते हैं, इसको आप प्रीफर ज़रूर करिएगा। उसके बाद प्रोबल 11 हम कराची के देख लेते हैं। तो कराची के प्रोबल 11 में जेम्स विंस मैथ्यू वेड ओपनिंग करते हैं, दोनों ही हीटिंग के लिए जाने जाते हैं, दोनों को प्रीफर कर लीजिएगा। टी ताहिर पिछले मैचों में बढ़िया पारी खेली, लेकिन देख सकते हैं आप न्यू बैट्समैन है तो आप इस पर भरोसा जताएंगे कि या फिर नहीं जताएंगे। वहीं शोएब मलिक की बात करें तो ये भी कैप्टनसी के बेस्ट चॉइस रहेंगे आज के लिए, क्योंकि पिछले मैचों में 4 ओवर बॉलिंग प्लस में बैटिंग, तो इसका जानते ही आप कि बैटिंग कितना कमाल के कर रहे हैं अभी कुछ दिनों से। उसके बाद आई वासिम कैप्टनसी के भी बेस्ट चॉइस रहेंगे आपके लिए, 4 ओवर बॉलिंग प्लस में बैटिंग भी ऊपर है। उसके बाद बेन कटिंग ड्रॉप कर सकते हैं, बॉलिंग पिछले मैचों में नहीं कराए उतने और बैटिंग भी आते हैं तो उतना उसके ऊपर अच्छे अच्छे हीटर है, इसके लिए बैटिंग इसको आती नहीं है ज़्यादा। इरफान खान दोस्तों बॉलिंग प्लस बैटिंग कुछ नहीं उतना आ रहा दोस्तों, ड्रॉप कर सकते हैं। अमर अमीन बॉलिंग तो पिछले मैचों में कमाल के कराते थे, लेकिन क्या पता 2 मैचों से ओवर भी कट हो रहे हैं और प्लस में बैटिंग के तो बहुत कम चांस है दोस्तों, इसलिए आप इसको भी ड्रॉप कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों देख सकते हैं बॉलर में मोहम्मद मूसा शमसी या के जादीव,
अकीब जावेद। उसके बाद दोस्तों मोहम्मद मूसा उतने अच्छे बॉलर नहीं, लेकिन शमसी पिछले मैच में पहले मैच में आकर दोस्तों कमाल का बॉलिंग किए। अकीब जावेद भी दोस्तों बहुत ही अच्छे बॉलर है, इसको भी आप डेथ ओवर में बॉलिंग कराते फ्री पर अपने टीम में ज़रूर करिएगा दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, एक प्यारा सा कॉमेंट ज़रूर करें दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद।